केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि दिल्ली में नशा करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इससे उनका शरीर भी कमजोर हो रहा है, उनका जीवन नशा बनकर रह जाता है। इसलिए हमने नशा मुक्त अभियान शुरू किया है। नशा करने वालों से मेरा निवेदन है कि वो नशा ना करें। आजकल कॉलेज जाने वाले छात्र भी ड्रग्स लेकर अपना जीवन खराब कर लेते हैं और सभी नौजवानों से मेरा अनुरोध है कि नशा ना करें और अपना जीवन संवारें। तो एक तो दिल्ली में नशा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और उससे मतलब नशा करने वाले लोगों का संसार भी उद्धवस्त हो रहा है, उनका शरीर भी मतलब पूरा वीक हो रहा है और पूरी अपनी जिंदगी में मतलब वो आनंद के बजाय दुख में मतलब उनकी पूरी जिंदगी जाती है, नशा में उनकी पूरी जिंदगी जाती है। इसीलिए हमारे मंत्रालय का तो प्रोग्राम है ही, हमारा नशा मुक्त भारत अभियान हमने शुरू किया है, उसका ही एक पार्ट समझकर हमने दिल्ली के हर बस्ती बस्ती में नशा मुक्त दिल्ली अभियान, इसी तरह का अभियान हमने आरपीआई की तरफ से शुरू किया है। हमारे फखरे आलम गुड्डू जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जगह जगह पर इसी तरह का प्रोग्राम हम कर रहे हैं और नशा करने वालों को मेरा निवेदन है कि आपने नशा नहीं करनी चाहिए। आप नशा करनी है तो आपको कोई उद्योग की नशा करो, आप कोई गाने की नशा करो, आप कोई संगीत की नशा करो, लेकिन इसी तरह की नशा करना ठीक नहीं है। आजकल का कॉलेज के लड़के भी ड्रग लेकर मतलब पूरी जिंदगी बर्बाद करते हैं, शिक्षा में उसका बहुत बड़ा निगेटिव इफेक्ट होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि नशा मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त दिल्ली अभियान, नशा मुक्त बस्ती अभियान, इसी तरह का अभियान हमने दिल्ली में शुरू किया है और सभी नौजवानों को मेरा कहना है कि नशा आप मत करिए और आप अपनी जिंदगी में अच्छा सुधार करो, ये हमारा ऐलान है।